ये जो राज्य सरकार की मंशा है उसके अनुरूप ही ग्राम नदी के बच्चों को शिक्षा से जोड़ सके और वो अपनी शिक्षा आगे और आगे जारी रख सके, इसके लिए जो नदी सेकेंडरी स्कूल है उसको 12वीं तक क्रमोन्नत किया जाए, इसके लिए हमने सांसद महोदय मतलब International bands and smartwatches collection with great offers at Minute to Style. Let's go on time with the stylish designer collection. Minute to Style near Martindal Bridge Station Road and Anasagar Circular Link Road, Ajmer. सर हमारे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्कूल है और हमें बहुत दूर आना पड़ता है, वहाँ से 1 किलोमीटर दूर पड़ती है हमारी स्कूल, 8 किलोमीटर दूर पड़ती है हमारी स्कूल और हमें हमारे गांव में 12वीं तक स्कूल चाहिए। हमारे मम्मी पापा मजदूरी करते हैं और वो हम लड़कियों को नहीं पढ़ाते, लड़के तो पढ़ सकते हैं हमारे भाई पर हमें नहीं पढ़ाते वो बच्चे, आज भी पढ़ के हमारी स्कूल बहुत दूर पड़ती है और बीच में नदी भी आती है, जंगल भी आते हैं और बीच में बीच रोड में पता नहीं हमारे साथ क्या कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमारे मम्मी पापा आगे नहीं पढ़ाते। चंचल का आज हम ग्राम पंचायत डुमाड़ा और श्राद्धनाथ से सैकड़ों ग्रामीण आए हैं क्योंकि हमारी मांग है जो ग्राम पंचायत डुमाड़ा और श्राद्धनाथ की सीमा पर बसा हुआ गाँव है नदी सेकंड, वहाँ पर 8वीं तक विद्यालय है जबकि दोनों उस विद्यालय से जो दूसरे विद्यालयों की दूरी है वो 7 से 8 किलोमीटर है और बीच में अगर श्राद्धनाथ जाए तो बीच में एक नदी आती है जो बाव के अंदर बहुत तेज चलती है। अभी भी पहले भी जब बारिश आई थी उस समय भी वहाँ पर कई हादसे होते हैं हर साल। इस वजह से जो नदी सेकंड के बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए हमारी मांग मुख्य रूप से यही है जो राज्य सरकार की मंशा है उसके अनुरूप ही ग्राम नदी के बच्चों को शिक्षा से जोड़ सके और वो अपनी शिक्षा आगे और आगे जारी रख सके, इसके लिए जो नदी सेकेंडरी स्कूल है उसको 12वीं तक क्रमोन्नत किया जाए, इसके लिए हमने सांसद महोदय मतलब हर स्तर पर प्रयास कर लिया और हमें जब अंतिम उस स्तर पर कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देना चाहते हैं ताकि जो राज्य सरकार की मंशा है उसके अनुरूप विशेष तौर पर लड़कियां, क्योंकि लड़के कई दूसरी स्कूल पर भी जाकर भी अपनी शिक्षा को आगे रख सकते हैं लेकिन हमारे गांव में कल्चर ये है कि बच्चियों को दूसरी स्कूल में नहीं भेज पाते हैं, माँ बाप को डर लगता है क्योंकि समय ऐसा नहीं है। इसलिए हमारी कलेक्टर साहब से यही मांग रहेगी कि जो 8वीं तक विद्यालय है उसको 12वीं तक क्रमोन्नत किया जाए जिससे कि विशेषकर बच्चियाँ अपनी शिक्षा को आगे जारी रखें और हम शांतिपूर्वक कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। मैं जगदेव गुजर सरपंच ग्राम पंचायत डुमाड़ा, मैं ग्राम पंचायत श्राद्धनाथ से आया हूँ, ग्राम पंचायत श्राद्धनाथ सरपंच हरिकृष्ण जाट और ग्राम पंचायत श्राद्धनाथ का राजूसूर गांव नंदी द्वितीय जिसमें स्कूल करमाणी के लिए आए हैं, वहाँ से स्कूल पढ़ती है 7 से 8 किलोमीटर श्राद्धनाथ सीनियर, वहाँ सीनियर न होने के कारण बच्चियाँ स्कूल छोड़ देती है। कई दफे मैं ग्रामवासी और पंचायत की ओर से कलेक्टर साहब को, मंत्री महोदय को, सांसद को, विधायक को हमने अर्जी पर पत्र के द्वारा अवगत करा दिया, फिर भी हमारी सुनाई न होने के कारण आज हम कलेक्टर साहब से इस बारे में मिलने आए हैं और अभियान देवन है और 7-8 किलोमीटर आतरे पड़ता है ग्राम पंचायत से स्कूल सीनियर, तो वहाँ से बच्चियाँ स्कूल बीच में छोड़ देती है, रास्ता जंगल है, बीच में एक नदी पड़ती है, बारिश में खूब चलती है, सुन रास्ता पड़ता है, पहाड़ी इलाका पड़ता है तो आगे वो पढ़ नहीं सकती है, हाटी पढ़ के छोड़ देती है। तो हमारी कलेक्टर साहब से निवेदन और विनती है कि हमारी मान को आगे राज्य सरकार को पूछा जाए और बच्चे बच्ची का भविष्य देखते हुए हमारे स्कूल को क्रमोन्नत कराई जाए। मेरा नाम हरिकृष्ण जाट, ग्राम पंचायत श्राद्धनाथ सरपंच